ये देखिए दोस्तों, ये है मशीन, ये आमिर राजकोट लिखा हुआ है। हाँ यार, यही मशीन तो है। आ हाँ, मशीन चाहिए मेरे को, बोल रहा तुमको मशीन चाहिए क्या? मतलब हाँ, मशीन तो चाहिए मेरे को, चुस्की वाला मशीन चाहिए। और दोस्तों, क्या हाल चाल, समझते हैं? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आपका एक और नए ब्लॉग पे स्वागत है। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, लेकिन मौसम देखो भाई, दोपहर हुआ नहीं है, ठंडी इतनी तेज है। और आज दुकान मेरी बंद है, वही मैं कल वाले ब्लॉग में जो रीज़न बताया था ना कि हम लोग 5 तारीख को बर्थडे क्यों सेलिब्रेट नहीं किए, उसी रीज़न के चक्कर में आज बंद है दुकान। ठंडी इतनी तेज़ बढ़ गई है आज। अनिल छत के ऊपर है। बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। देखो, अब मैं क्या सोच रहा था पता है, कल आप लोग से पूछा भी था कि चुस्की मशीन लेनी चाहिए कि नहीं, तो आप लोग कमेंट किए ले लेनी चाहिए। अब कल ना कि परसों प्रदीप भैया अगर नई मशीन लाए हैं तो उन्हें घर जा रहा हूँ, आप लोग भी देखेगा कि कितने की मशीन आई, वो पूछ लूँगा भाई। मैं विकास भैया बताए कि वो लिए हैं, लेकिन कितने के लिए हैं ये नहीं पता मेरे को। ये रात को अनिल और ये दोनों यहीं पे सोए थे, मच्छर नहीं काट रहे थे हैं? पंखा चालू कर ले, लाइट ही नहीं है यार, कहाँ। ये देखिए दोस्तों, ये है मशीन, ये आमिर राजकोट लिखा हुआ है। अभी मैंने वीडियो भी देख रहा था ना। हाँ यार, यही मशीन तो है। आ हाँ, मशीन चाहिए मेरे को, बोल रहा तुमको मशीन चाहिए क्या? मतलब हाँ, मशीन तो चाहिए मेरे को, चुस्की वाला मशीन चाहिए। बता दे जरा। हाँ, ये ब्लेड है, ब्लेड टूट गया है। टूटा नहीं है, ब्लेड है यार, इसमें पैर दूंगा अभी बार। अच्छा हाँ, दिखाओ पैर के। नहीं, बाद में हम अपना बर्फ के दिखाओ पैर के। नहीं नहीं मत फेरो, बर्फ फंसा दिए उसमें। ये इसमें बर्फ ऐसा लग गया। हाँ ठीक। हाँ, इसके बाद इसको ढीला किए। हाँ, इसको ऐसे धीरे से इतना में नहीं में बर्फ रहेगा, उसके बाद इसको टाइट कर दिए। इसको पूरा टाइट नहीं करना, हल्का टाइट कर दिए। अगर घूम रहा था तो आउट, इसको खाली हल्का ठोकना है, हल्का सा। अच्छा, हल्का जो ठोकोगे ना हाँ, तो जो गत्ता रहता है गड़ जाएगा, उगड़ जाता है, हिलेगा नहीं। इसके बाद प्रेम से धीरे धीरे ऐसे चलाना है। अब दम है गिल, ज्यादा दम लगाएगा ना तो 4 घंटा में हाथवा जो है ना वाला दर्द नहीं लगेगा। मेरे को भी मत बुलाएगा, मेरे से ऐसा नहीं डरा होगा। ज्यादा ज्यादा पैसा थोड़ा नहीं मिल जाएगा, ज्यादा जोर लगाएगा तो पार्टी का पोल नहीं खोलना यहाँ पे। समझे, क्या करने का भाई? ये बोल रहे हैं मेरे पास मशीन पड़ा हुआ है, इनके पास 3-4 मशीन है, इनका ले लो, पुराना वाला बोल रहा है। इसे ढीला करेगा, इसे टाइट करेगा, आगे फेंकेगा, इसे पीछे रहेगा। ये जाम करता है, ये आगे बोले करता है। मशीन चलाने के पहले, बांधने के पहले एक बार दिख रहेगा मेरे पास, फिटिंग कर लीजिए। अगर ब्लेड नहीं काट रहा है इसको टाइट कीजिए, आगे ब्लेड फेंकेगा, बढ़िया से पकड़ लीजिए और धीरे धीरे टाइट कर लीजिए, जितना जरूरी है। जितना जरूरी है ऊपर करना, जितना ऊपर करना, जितना नीचे करना, उस हिसाब से वही ना बता समझा रहा हूँ। जितना मोटा काटना है, मोटा काटेगा तो ज़्यादा बर्फ लगेगा, छोटा काटेगा ज़्यादा बर्फ, गिलास छोटा लगाएगा तो सीरा भी कम लगेगा, माल भी कम लगेगा, पार्टी ज़्यादा देर चलेगा। इतना बड़ा गिलास रखेगा तो पता चला कि 200 में पूरा बर्फ खत्म। जितना मैं गया उतना बड़ा गिलास। अरे हम तेरे को क्या समझा रहे हैं, अपने ऊपर। जैसे चाट बनाने गया है 1000 आदमी का, वहाँ 10 किलो आलू में नहीं पार्टी निपटेगा, फिर पार्टी का 50 किलो नहीं रहेगा। ये देखिए दोस्तों, इनके पास ना काफ़ी सारा सामान है। ये मूंगचीले था, वह 1, 2, 3 है, छोटा बड़ा सब मिला के, और छोटे छोटे चूल्हे ये सारे हैं मेरे पास, 3 हैं यहाँ, तो 6-7 है भाई। और ये देखिए नया वाला चुस्की मशीन है, ये भी मतलब ब्रांड दोनों का सेम ही है, और दोनों हाँ तीनों चीज़ ना तीनों सेम ही है। बताओ अनिल, कौन से लें, नई पुरानी? हाँ, ये वाला नया है, ये वाला पुराना है। साइज के हिसाब से देखो, जब वाली थोड़ी सी बड़ी लग रही ना, ये वाला हल्का सा बड़ा लग रहा है, ये नया वाला। अब बोल रहा है नया ले ले, नया नया ही होता है। उठा, बाहर निकाल लीजिए उठा के। ये वाली देखो नई मशीन है। अब अनिल कह रहा है कि नया ले लेते हैं, अब नया नया होता है ना, इसमें ग्रीसिंग वगैरह भी कुछ नहीं हुआ है, करना पड़ेगा।
जो ऊपर का नहीं उठ रही थी। अच्छा ये ऊपर उठ गया अभी, ठीक है। अच्छा ये नीचे जाने लगा, देखो इसके नीचे सिल्ली रख देंगे। फ्री तो है भाई, थोड़ा सा ग्रीस वगैरह लगाना पड़ेगा। बताओ नई कि पुरानी? नहीं, नई चीज नई होती है। देखते हैं भाई, एक मन करता है ले लूँ, एक मन करता है नहीं लूँ, एक मन करता है ले लूँ, एक मन करता है नहीं लूँ। अभी दोस्तों घर आ गया हूँ, बारिश बहुत तेज हो रही है यार। अब आप लोग कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं ना कमेंट आप लोग से नहीं करवाता, डायरेक्ट दिखाता। अभी बारिश हो रही है, नहीं तो मैं सीधा अंबिकापुर जाता और वहाँ पता करता। तो नया लेना है कि पुराना लेना है? और मैं दो तीन लोगों से पूछा तो बोल रहे हैं डायरेक्ट नया ले ले, पुराना चक्कर मत रख, मतलब फुर्सत 3-4-5 साल आराम से चलेगा वो। तो आप लोग एक बार सजेशन दीजिएगा कि नया ले लो, कुछ भी मतलब नया चीज़ लेना है ना या पुराना लेना है तो थोड़ा सा ना डिफरेंस रहता है, नया और पुराना अलग ही। मान लो एग्जांपल दूँ, चेतक कुछ ना कुछ होते रहता है। नया भी लेता है तो कम से कम 3-4 साल तक तो आराम से चलता मान लो, है ना। लेकिन पुराना है तो कुछ ना कुछ होते रहता है, तो इसी से बताइएगा भाई। अभी ना शाम को 7 बजने वाले हैं और मौसम देखो कितना ख़राब है। और अभी घर में आज सब्जी बन रही है अंडे की, और एक अंडा फट गया उसको मैं खा लेता हूँ। पलट दो, पलट पलट पलट, इसको काट लेता हूँ। तो अंडा तो खा लिया मैं दोस्तों, और अभी ना देखो, और ये थोड़े से अंडे और हैं, 4-5 अंडे। इसमें ना लकड़ी से छेदा करते हैं, मतलब सीख रहती है ना जो झाड़ू वगैरह की, उसी से। और ये मसाला यहाँ पे रेडी हो रहा है, देखो ये प्याज आप लोग देख सकते हैं, ये प्याज की ना ग्रेवी बनेगी। और प्याज को उबाला गया है, और उसके बाद फिर ये देखो इसमें मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। इसमें अदरक है थोड़ा सा और जीरा है। आज यही बनेगा भैया अंडा। चावल बन गए, ये देखो चावल बन चुके हैं। दिन भर भाई पानी बरस रहा है थोड़ा 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 थोड़ा, और अभी भी ना बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी है कि मत पूछो। वैसे मैं अंबिकापुर जाने वाला था और मैंने ये डिसीजन खुद लिया है, आप लोग तो कमेंट कर देना। मैंने और भी पानीपुरी वाले जो स्टॉल वाले हैं उन लोगों से पूछा तो बोले पुराना मतलब कि फर्स्ट सीधा नया ले ले, नया ले लेगा तो भाई फुर्सत हो जाएगा, इसलिए मैं नया ले लूँगा भाई मशीन। आज पानी बरस रहा था वरना मैं अंबिकापुर चला जाता तो वहीं से ले जाता। तो अभी दोस्तों ना ये वाला चूल्हा लेने आ गया हूँ मैं, अब इसी में खाना बनेगा। उसमें ना आज थोड़ी कम आती है। और ये देखो कहाँ महोदय, कहाँ ठंडी में आइसक्रीम खाने चौकवार में? नहीं नहीं गलत बात। तो अभी कढ़ाई में दोस्तों प्याज और तेज पत्ता और लहसुन, हिंग का है गैस पास। गैस पास मतलब हिंग की सब्जी खा होता है। ये देखो वाह यार, देख रहे आइसक्रीम खा ले जाओ बाय। ये वाली चाहिए देव, ये वाली ले। और ये मसाला जो पीसे थे ना, प्याज और जीरा था इसमें, उसको डाल दिए इसी में अभी। प्याज लहसुन जीरा जीरा अदरक अदरक फ्राई। तो अंडे को ना दोस्तों ग्रेवी में डाल दिए हैं और इसको ना 15-20 मिनट तक अभी पकने देंगे आराम से धीमी आँच में। तो देखिए दोस्तों ये पक चुका है, अब डाल रहे हैं इसमें पानी, और ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालो बस। अभी ये पकेगा कम से कम 10 मिनट और है। और तो अभी धनिया पत्ती इसमें डाल दिए हैं। तो देखिए दोस्तों अभी ना ये कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा कम, कौन सा मसाला है? गरम मसाला। ये गरम मसाला है, गोल्डी गरम मसाला डाल रही है। तो ये अंडे बन गए हैं मस्त मस्त, है कि नहीं? का अंडे खाओ बम हो जाओ। अंडे खाओ बम हो जाओ, बताओ। ये आटा भी हो गया, बन गया है यहाँ पे देखो। तो अभी दोस्तों खाना खाने जा रहा हूँ, और दोनों अंडों को ना देखो ये मैं ऐसे करके फोड़ दिया हूँ, मतलब फोड़ के ना पूरा मिक्स करके। पहले ना इसमें हम लोग वो डालते थे मटर, लेकिन मटर अभी आता नहीं है। और रोटी की आज साइज देखो कितनी बड़ी बड़ी। थोड़ा चावल ले लिया हूँ, आज दुकान ही लगाया था, कुछ काम किया नहीं तो खाना डाइजेस्ट भी नहीं हुआ। थोड़ा चावल दो रोटी बस, और रोटी वैसे भी ना बड़ी पड़ी है। ठीक है दोस्तों इसको खा लेते हैं, और कल का भी यार वैसे ही दुकान लगेगा कि नहीं लगेगा देखते हैं। तो अभी सुबह हो गई दोस्तों, कल वाला तो
लोग अभी कंटिन्यू कर देता हूँ थोड़ा सा। अभी देखो पापड़ वगैरह बन रहे हैं, ये देखो सुबह सुबह नाश्ते में आलू की चिप्स हैं। ये आलू की चिप्स हम लोग घर ही बना लेते हैं, बड़े बड़े आलू आते हैं। लेस फेल जाओ नहा धोआ मुँह धो, अभी जाएंगे कब? अभी जाएंगे।